आज खेल दिवस के शुभ अवसर पर और मोदी जी का जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है उसके शुभ अवसर पर बीच रेसलिंग की शुरुआत चेन्नई से हुई। आज ये भारत का पहला नेशनल चैम्पियनशिप है। इसको बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश पहले ये नहीं हो पाया, लेकिन आज जो है यहाँ पर बीच रेसलिंग का फर्स्ट नेशनल हो रहा है जिसमें लगभग 200 के ऊपर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और दो तीन खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल भी हैं, एशिया का मेडल भी है, लेकिन अभी हमारे कुछ अच्छे खिलाड़ी नहीं आ पाए हैं क्योंकि वर्ल्ड की ट्रायल 31 तारीख को वर्ल्ड के लिए टीम जानी है, उसके ट्रायल तो चोट ना लग जाए। और जो यूथ 23 है जो अमेठी में होना है, स्मृति ईरानी जी जिसको करवा रही हैं, उस कारण चोट ना लग जाए। और ये खेल नया है और इस नाते से कुछ खिलाड़ी नहीं आए हैं। मैं रोहतास जी को अपने तरफ से धन्यवाद दूंगा जिनको भारतीय कुश्ती संघ ने कन्वीनर बनाया है इस बीच रेसलिंग का, चेन्नई में के रहने वाले हैं और आज ये फर्स्ट नेशनल हो रहा है। इसके बाद हमें जूनियर का और कैडेट का भी हम नेशनल करेंगे और इसका वर्ल्ड भी होता है, तो हमारी टीम वर्ल्ड के लिए भी जाएगी। दुनिया में ये बहुत फेमस है लेकिन ये काम इंडिया में पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया और आज उसकी शुरुआत जो है चेन्नई की धरती से महाबली पुरम से हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कितना रोचक मुकाबला हो रहा है, बच्चे इसको लेकर के बड़े उत्साहित हैं और मैं पुनः मीडिया के माध्यम से रोहतास जी को और चेन्नई के लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया गया है वो चेन्नई के महाबलीपुरम से उठाया गया है। मैडम 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக் கேமில் பீச் ரெஸ்லிங் எந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது? देखिए अभी तो ये ओलंपिक में नहीं है, कौन सा गेम रहेगा कौन सा नहीं रहेगा उसकी एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है। वैसे दुनिया के अंदर ये फेमस है और यूरोप में भी बहुत अच्छे ढंग से लड़ी जाती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ओलंपिक में जा सकती है। जैसे जो पहले मिट्टी की कुश्ती थी, पहले कुश्ती मिट्टी पर लड़ी जाती थी, वो भी ओलंपिक में नहीं है, उसको भी ओलंपिक में ले जाने की बात चल रही है। ट्रेडिशनल रेसलिंग के नाम से उसको भी ओलंपिक में ले जाने की बात चल रही है और हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वर्ल्ड तो होता ही है और कई साल से वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, तो आने वाले समय में ओलंपिक में भी जा सकती है। हम श्योर नहीं हैं, श्योर नहीं कर सकते क्योंकि उस कमेटी में हम नहीं हैं, लेकिन जा सकती है। ये गेम के लोकप्रियता पर है जब है, और UWW जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कोशिश करेगा कि ये भी ओलंपिक में जाए। देखिए एक तो ये नया गेम था और इसके लिए ये बीच रेसलिंग है तो समुद्र के किनारे ही हो, और रोहतास जी मुझको मिल गए और ये करवाने को तैयार हो गए, और कोई कराने वाला नहीं था, ये करवाने के लिए तैयार हो गए। मुझे अच्छा लगा, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं आपको बताऊं कि जो व्यवस्था जो फैसिलिटी इन्होंने दी है वो इंटरनेशनल जो गेम होते हैं उससे अच्छी फैसिलिटी दी है, खिलाड़ियों को रहने का, कोचेज को रहने का, मतलब ये इंटरनेशनल जो होते हैं कहीं कहीं इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। और चेन्नई सही जगह है क्योंकि भगवान राम ने जो है यहीं से खड़े होकर के जो है लंका विजय का सपना देखा था, आज यही उसी स्थान पर खड़े होकर के हम विश्व विजयी बने रेसलिंग में, इसका सपना देख रहे हैं और रोहतास जी को धन्यवाद है। हंड्रेड परसेंट ये यहाँ जो बच्चा आएगा ये इसमें 24 स्टेट ने भाग लिया है और सेना और रेलवे की टीम नहीं आ पाई है क्योंकि उनके इंटरनली टूर्नामेंट चल रहे हैं, 24 स्टेट यहाँ पर आया है और इसमें हम आठ कैटेगरी लेकर के चल रहे हैं, चार लड़कियों का और चार लड़कों का,
और एक सिल्वर दे रहे हैं, एक गोल्ड दे रहे हैं, एक ब्राउन दे रहे हैं। 24 लड़के यहाँ से नेशनल खिलाड़ी बनकर के जाएंगे। वो 24 लड़के रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, वो 24 लड़के कहीं भी वो नेशनल खिलाड़ी कहे जाएंगे। ये कोई वैसे दंगल नहीं है, ये सर्टिफिकेट इनके पास होगा, उसको लेकर के वो नौकरी के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, अपने आप को नेशनल खिलाड़ी बोलेंगे, नेशनल का सर्टिफिकेट होगा और ये पूरा 100% सफल है। आगे कहाँ तक लेके जाओगे इसको? आगे बिल्कुल, ये जूनियर, अभी तो जूनियर और कैडेट का है कराएंगे इसके, अभी तो ये फर्स्ट था, अब हम जूनियर कैडेट का भी कराएंगे और आने वाले समय में वर्ल्ड में हमारी ये टीम जाएगी और अगर ओलंपिक में जाती है, 24 में जाती है तो हम तैयारी करके चलेंगे। वो बातचीत से पता लग जाएगा ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। தேன்மொழி நாமக்கல்லேருந்து வந்திருக்கேன். 60 kg கேட்டகிரியில் இங்கே விளையாட வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே பீச் ரெஸ்லிங் நடக்குது, எங்களுக்கு பேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் கம்மியாக இருக்குது. அது வந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நல்லபடியாக பண்ணித்தந்தா இருக்கும். லோக்நாதன் மாஸ்டர் தான் எங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காரு. நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். எங்களுக்கு கவர்மெண்டில் கோச்சஸ் பேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். லேடிஸ் எத்தனை பேர் கலந்துக்கினீங்க, என்னென்ன கேட்டகரி கலந்துக்கினீங்க? 4 பேர் கலந்துருக்கோம். 50 kg, 60, 70, 70+. இதை மெடல் ஏதாவது மெடல் ஏதாவது ஜென்ட்ஸில் இப்போ வந்து உங்கள் மாஸ்டர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்து எதுவுமே கிடைக்க மாட்டோம். நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க லேடிஸ்? கேம் ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர்த்துக்கு ரெஸ்லிங்னா என்னென்னே தெரியாமல் இருக்குது. அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே மேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால அது இருக்குது, மேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கெல்லாம் ஜாப் கிடைச்சா, ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா மூலிமா எங்களுக்கெல்லாம் ஜாப் கிடைச்சா நிறைய பேர் இதை எடுத்து விளையாடுவாங்க, அதனால் எங்கள் கேமு டெவலப் ஆகும். என் பேர் லோகநாதன், ஜென்ரல் செக்ரட்டரி தமிழ்நாடு அமைச்சர் ரெஸ்லிங் அசோசியேஷன். இந்தியாவிலேயே அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு சீனியர் மென் அண்ட் உமன் பீச் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் தற்பொழுது சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து 4 மென் ரெஸ்லர்ஸும் மற்றும் 4 உமன் ரெஸ்லர்ஸும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் குவார்ட்டர் ஃபைனல் வரைக்கும் வந்து விளையாண்டுருக்காங்க. அது ரொம்ப ஹாப்பி, ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தாலும் பட் இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த அளவுக்கு ரெஸ்லர்ஸ் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப பேர் ரெஸ்லிங் விளையாடணுன்ற ஆர்வம் இருக்குது. ஸோ பீச் ரெஸ்லிங்கும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணதுனால இந்த பீச் ரெஸ்லிங் விளையாடுறவங்களுக்கும் ஃபர்தராக வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் செஞ்சு கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா மேட் ரெஸ்லிங் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, பீச் ரெஸ்லிங்கும் சப்போர்ட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். கவர்மெண்ட் நீங்கள் என்ன கேட்க வரீங்க இதனால? கவர்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ சர்டிஃபிகேட் என்ஐஎஸ் கோச்சஸ் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பேர், அதே போல் டிப்ளமோ என்ஐஎஸ் கோச்சஸும் முடிச்சிருக்காங்க. இவங்களுக்கு சீக்கிரமாக நம்ம கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு அந்த கோச்சஸ் மூலிமா நம்ம பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பேர்த்த வந்து ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் டெவலப் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாடு சீக்கிரம் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது.